गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। अब गर्मियों में कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन करता है, बट डेली सेम ड्रिंक तो नहीं पी सकते ना, कुछ चेंज करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला नींबू शिकंजी, जो देखने में और पीने में दोनों में एकदम जबरदस्त होने वाली है। इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि आप एक बार पियेंगे तो बार बार बनाकर पीने वाले हो। बनाने में बहुत ही ईजी है, जैसे नॉर्मली हम लोग शिकंजी बनाते हैं बिल्कुल वैसी है। तो चलिए बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधे नींबू का रस डाल दिया था, 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी है, साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा रेगुलर जो सॉल्ट होता है, नॉर्मल हम लोग घरों में यूज करते हैं व्हाइट वाला सॉल्ट, वो थोड़ा सा डाल दिया। काले नमक से होगा क्या, जो हमारी शिकंजी बनेगी उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च को बारीक कूट कर डाल दिया है। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा ही डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, एकदम मसाले की तरह। जो शिकंजी नाम ही है मसाला नींबू शिकंजी, तो मसाले जैसी लगनी भी तो चाहिए थोड़ा झड़क थोड़ी सी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर। अब करेंगे क्या, मैंने यहाँ पर पुदीना के पत्ते ले लिए, इनको ओखली में कूट लेंगे, इनका रस निकालना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बारीक कैसे पीसने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका रस जो बनेगा वो निकाल के हम ग्लास में डाल लेंगे, छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो यहाँ पर रस निकल गया, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके छन्नी से इसको छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी शिकंजी बनेगी उसमें पुदीने का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत टेस्टी लगती है। अक्सर हम लोग मार्केट में जाके मसाला नींबू शिकंजी पीते हैं, तो आप घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सोडा, और सोडा नॉर्मल सोडा है, इससे इसको ग्लास को कर दिया है, ऊपर तक टॉप तक भर दिया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पीने में एकदम टेस्टी होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़े से आइस क्यूब भी डाल देंगे, इसको सजाना भी जरूरी है, बिल्कुल बाजार जैसी दिखनी चाहिए, जब दिखेगी तभी तो बिकेगी, है ना, बाजार में दिखती अच्छी तभी बिकती है। थोड़े से मैंने यहाँ पर पुदीना के पत्ते डाल दिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मजे से पियेंगे। आप सभी लोग अपने घरों में मसाला नींबू शिकंजी जरूर बनाएं, सबको पिलाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।